किसने किया है? मुझे लेट करके आप पहले पहुंच गए यहाँ। एंड जब मैं चैनल लगाऊं कि ये फला जरूरी काम पहले रह गया, बस उल्टा लगाया है उन्होंने। ठीक आवाज, आवाज ठीक आ रही है, राइट? क्या किया था मैं, किस था? यो ठीक है, क्या हाल है? आज कौन आया हुआ, कौन नहीं आया हुआ? आफ्ताब सर नहीं आए, वो नहीं आते? अच्छा, उनकी बेटियां दोनों आ गई हैं, दूसरी कहाँ है? वो ठीक है, और आप बता रहे हैं आज, और तू बस अब पहुंच गए माशाल्लाह। चलो शुरू करें फिर। आपके लिए मैंने काफी काम किया है यूरोप में दौरे के दौरान, बहुत कठी की हैं दवाइयाँ। अब मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता और लगा लूँ तो जितनी दवाइयाँ ज़रूरी आपको मालूम होनी चाहिए वो सारी तकरीबन आ जाएंगी इसमें। फिर उसके बाद मैं उल्टी दोहराई शुरू करूँगा, अमराज से दवा की तरफ का सफर, ठीक है? अब कॉकस कैक्टाई भी नहीं पढ़ा हमने, पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितना शुरू किया था, कितना? हाँ, कॉकस की जो बुनियादी पहचान है वो इसकी सेंसिटिविटी है जिल्द की, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, और बाद दफ़ा बाहर भी होती है, और इतना सेंसिटिव होता है जैसे छुई मुई को हाथ लगाएं तो वो सुकड़ जाती है एकदम। देखा किसी ने छुई मुई का पौधा? टच मी नॉट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हम उसके साथ खेला करते हैं, ज़रा सा हाथ बाद दफ़ा करीब भी करो ना तो ये सुकड़ जाती है। तो बहुत ही छुई मुई दवा है, इसलिए गले के तशनुज जब भी कोई इंसान डॉक्टर देखना चाहे, या बाज़ दफ़ा लुकमे से भी तशनुज हो जाता है, कोई चीज़ निगलने से जब टच करते हैं दोनों पहलू तो उससे भी तशनुज वाक़ हो जाता है। काली खांसी में भी कॉकस इसीलिए काम आती है जब ज़्यादा ही जूदहिसी पाई जाए, और नज़लाती दवा भी है और तशनुजी भी। नज़लाती दवा में मैंने एक पहचान इसकी बता दी है, बाकी तफासिल मालूम हो या ना हो, ये दो बातें पाई जाएंगी तो ये दवा बिल्कुल फौरन दे दें। रोफी म्यूकस, इसकी इसके नज़लाती अखराजात में धागापन पाया जाता है, वो कहीं से भी हो, हर मवाद में जिस मखरज से निकले उसमें धागापन, धागा धागा सब बना हुआ हो, जैसे बटा हुआ धागा हो, ये चीज़ जमा उसकी जूद हिसी, ये इंसानी तमाम अज़ा पे गालिब है। इसके नतीजे में जो तशनुज पैदा होते हैं वो सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस दवा के दायरे में आते हैं, और मौसम के लिहाज से इसकी जूद हिसी सर्दी से ताल्लुक़ रखती है। सर्द मौसम आया और ऐसे लोगों को नज़ले लग गए, बहुत से लोगों को लग जाते हैं, मगर इसके नज़ले में वही धागा ज़रूर होगा, प्लग हो जाता है बाज़ दफ़ा, बच्चा प्लग निकालता है तो पीछे से लेस नहीं बल्कि बटा हुआ धागा सा खुलता चला जाता है। ये भी बताया था कि इसमें छोटा सा मामूली सा तज़ाद ये पाया जाता है कि सर्दी से बीमारियां होती हैं लेकिन गर्मी से भी एग्रवेशन हो जाती है। नज़ला गर्मी से नहीं लगता, सर्दी से लगता है, लेकिन जब गर्म कमरे में मरीज जाए तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। फास्फोरस में से भी ऐसा तज़ाद है मगर सिर्फ दो जगहों पे, एक सर पे एक मैदे में। म्यूकस जो इसकी है, जो धागा जैसा, वो चिपकता बहुत है, जिसकी वजह से गले में जब चिपका हो तो उसको निकालने के लिए गैग करता है आदमी, और चूंकि सेंसिटिव है इसलिए वॉमिटिंग हो जाती है, फिर
तो मादा निकालने के लिए नजलाती मादा बसा औकात ऐसे बच्चों को क्या करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा इतनी इसकी जूदहिसी बढ़ जाती है कि गम्स भी जूदहिस हो जाते हैं, गम्स को उंगली लगे तो वो सारा जो सिलसिला है ना गैगिंग वगैरह का वो फिर शुरू हो जाता है। अब इसमें एक इलामत ऐसी है जिसको गौर से पहचानना होगा, ही कैन नॉट वॉक विदाउट ब्रिंगिंग ऑन डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ही कैन नॉट असेंड स्टेयर्स क्लाइम माउंटेन्स विदाउट दैट ब्रीदिंग। इसका ताल्लुक कॉफिया या एक और दवा है मशहूर इसमें, नहीं याद आ जाए, जो मशहूर दवाएं हैं चढ़ाई पर आर्सेनिक, आर्सेनिक और कॉफिया से नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक और कॉफिया की ब्रीदिंग का बलगम के अखराज से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये मरीज जिसको घुटन होती है चढ़ने में, अगर बलगम निकाल दे कै के जरिए या वैसे ही, तो सीना साफ हो जाता है, चढ़ने में दिक्कत नहीं रहती, यहाँ तक कि छाती दोबारा भर जाए, तो वो नफ्स की तंगी दिल की वजह से नहीं है बल्कि सीने में जमाव की वजह से या गले में जमाव की वजह से है। कार्बोवेज भी अच्छी है काली खांसी में, लेकिन बसा औकात कार्बोवेज के बाद इसकी जरूरत पेश आ जाती है कॉकस की। आमतौर पर नाक जब वो पतला नज़ला ख़त्म हो तो फिर प्लग हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये म्यूकस चूँकि चिमटती है इसलिए वो दोनों तरफ प्लगिंग कर देती है, और म्यूकस आमतौर पर जब वो जम चुकी हो जर्द रंग की होती है। एक और इसकी अलामत यह है कि जब भी नाक साफ करें या बलगम कहीं से भी निकालें तो पिछली जो सतह रह जाती है बाकी उस पर, यानी झिल्ली बलगम की हो या सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन हो, उसमें जलन का एहसास होता है। ये भी इसकी ख़ास अलामत है, जो बलगम निकालने के बाद उस जगह जहाँ से बलगम निकला था जलन का एहसास। मेरा ख्याल है चूँकि चिमटता है इसलिए थोड़ी सी इंजरी पैदा करता है, छीलता है उसको। प्यास बहुत होती है, लेकेसिस से कुछ इलामत इसकी ये मिलती है कि डिप्रेशन और बात ना करना, उदासी और फिर बातें बहुत करना और बातूनी हो जाना, ये इसमें भी पाया जाता है। जर्सीनियम की तरह बसा औकात सुबह ऐसे सरदर्द से उठता है जो गुद्दी में नुमाया हो, सामने भी आती है मगर शुरू में वो गुद्दी में ज़्यादा महसूस होती है और माथे के ऊपर भी, और ये जर्सीनियम का भी ख़ास है, लेकिन जर्सीनियम में फ़र्क ये है कि उसकी जो गुदी की दर्द है वो पीछे असाब में या गर्दन के एक पहलू में असाब में उतरती है, कॉकस की दर्द नहीं उतरती, वो गुदी से शुरू होकर गुदी में जमी हुई महसूस होती है, फिर वो सामने आती है और माथे पर भी बैठती है या सारे सर को कवर कर लेती है, ढांप लेती है। किडनीज पर भी इसका असर है, लेकिन याद रखना चाहिए कि यह असर वैसे ही है जैसे नज़लाती कैफियत से हो जाता है। इसके जो इसका जो किडनी का नज़ला है वो ख़ास तवज्जो के लायक है। कॉकस का नज़ला कहीं भी हो सकता है, मैदे पे भी हो सकता है, अंतरियों में भी और हर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, लेकिन जो किडनीज का नज़ला है वो इसलिए ख़तरनाक है कि ये नेफ्राइटिस पैदा करता है और इससे एल्ब्यूमिन आने लग जाती है, वही चीज़ जो प्लग खींच के उतारें
तो जलन पैदा करती है। इसका नजला चिमटता है चूंकि किडनी से, जब वो उखड़ के निकलता है पेशाब वगैरह में तो पीछे सरफेस को रॉ कर देता है, इसकी वजह से वो रुझान एल्ब्यूमिन का पैदा हो जाता है। वैसे बराह रास्त एल्ब्यूमिन की दवा नहीं है ये। दिल में भी अगर कभी तकलीफ हो तो ऐसी नहीं है जिससे आप इलामतों से पहचान सकें। राइट साइड के पे दिल को इफेक्ट करता है ये, लेकिन जो इलामतें हैं, ओजिंग ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ग्रेट ब्लैक क्लॉट्स, ये ऐसी इलामतें हैं जो होम्योपैथिक मुशाहदे में नहीं आती, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। और है भी रेयर चीज़, कॉकस का दिल में इस्तेमाल शास के तौर पर है, दूसरी ऐसी दवाएं हैं जो इसकी जगह ले लेती हैं। यूट्रिन हेमरेज में तो ये साफ पहचाना जाता है क्योंकि क्लॉट्स बनते हैं और खून भी धागेदार हो जाता है, और जब हेमरेज इस किस्म का हो, ब्लैकिश क्लॉट्स हो, खून धागेदार हो, तो उसमें ये चोटी की दवा है। यूट्रिन हेमरेज में इन इलामतों में बस यही दवा समझनी चाहिए। दूसरी इलामत इसमें होती है कॉपियस फ्लो, बहुत लंबा चलता है जो। जिनसी कमजोरियां भी इसमें पाई जाती हैं दोनों तरफ। एक और दवा थी सिक्यूटा, वो पढ़ा दी आपको, पढ़ा दी है ना, ठीक है। कैमोमेल तो नहीं पढ़ाई अभी तक, टेरिडोनियम नहीं पढ़ाई, नहीं ना पढ़ाई, कैडमियम सल्फ भी, कैक्टस भी नहीं पढ़ाई, कैलेडियम भी नहीं, क्यूप्रम जिक्र आया है, पढ़ाई नहीं गालबन पक्की बात कंफर के साथ, लेकिन इस तरह मैंने कुछ ज्यादा ही तैयारी की हुई है इसकी देखेंगे। मेरा ख्याल है कि बात चीजें रह गई थी शायद इसमें, डलकमारा नहीं, कॉक्यूलस नहीं पढ़ाई है, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाई है, कॉक्यूलस ख्वाब में पढ़ाई होगी मुमकिन है। मैं कैलकुलस का जिक्र बहुत आया है, इतना जिक्र आया है कि लगता है कि पढ़ा दी है, क्यों फर्क निकालो नोट्स हैं कैलकुलस के, शक ही है जी। ठीक है जी, मैं स्कूलस से कर रही थी इसको, क्या स्कूलस पढ़ाई हुई है मुझसे, ठीक है। अच्छा फिर शुरू करें, एक रोजमर्रा की दवा है, कॉकस कैक्टस हो गया ना, ये संभाल लो, क्यूप्रम भी जरूरत पड़ी बाद में देंगे। फिर कोलोसिंथ, ये बहुत ही अहम दवा है क्योंकि रोजमर्रा की अचानक बीमारियों पेट दर्द वगैरह में बहुत मुफीद चीज़ है, और दूसरे इसकी बाद ऐसी लामते हैं जिसकी वजह से ये ऐसी औरतों के लिए जूद हिस्सों जो बाज़ अपने खामदों की तरफ से बाज़ दूसरों की तरफ से तकलीफ़ें सुनती हैं और बर्दाश्त करती हैं उनके लिए बहुत अहम है। स्टेफिसेग्रिया की तरह, स्टेफिसेग्रिया में भी सप्रेस्ड गुस्सा किसी तरफ से भी हो मगर उसका उसकी इलामतों में दूसरों में फ़र्क है नुमाया, इसलिए कॉलोसिंथ में अब आपको पढ़ाता हूँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आए दिन की पेट दर्द में
और अचानक नजलाती तकलीफों में बहुत मुफीद साबित होती है। इसकी जो दर्दें हैं, एक तो ये याद रखें कि इतनी शदीद होती हैं कोलोसिंथ की कि मरीज के लिए चैन से बैठना एक करवट पर रहना नामुमकिन है, इसलिए आर्सेनिक वाली इलामतें पैदा हो जाती हैं। और देखने वाला ये समझता है कि आराम से तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन आराम मुश्किल होता है, असल बात यह है, क्योंकि बेकरारी बहुत है, तकलीफ बहुत है। दूसरे, अगर आराम आता है तो प्रेशर से भी और हीट से भी, टकोर से भी, इसलिए इसको, इसका कम्बिनेशन मैकफॉस के साथ बहुत अच्छा रहता है, उसका भी यही मिजाज है। तो कोलोसिंथ को जो हंगामी तकलीफों में मैं देता हूँ, उसमें आमतौर पर मैकफॉस साथ कर दूँ तो शाज़ी नाकामी होती है, अक्सर मुफीद है, लेकिन ये अलामत ज़रूरी है इसकी, ठंड से तकलीफ हो, गर्मी से आराम आए, दबाव से आराम आए, कुछ यानी सामने झुकने से। यहाँ डॉक्टर कहते हैं इसका मरीज सामने की तरफ झुकता है और डायस्कोरिया का पीछे की तरफ, असल में सामने पीछे की बहस नहीं है, दबाव का है ताल्लुक है। अगर जिस जगह दर्द हो रही है वहाँ हाथ के से हल्का सा दबाव देकर थाम लें उस जगह को, तो निस्बतन दर्द में का इफाका होगा। तो दबाव, सर्दी ना, सर्दी तकलीफ बढ़ाती है, दबाव तकलीफ में आराम देता है, गर्मी और टकोर आराम देती हैं, और बेचैनी नुमाया है जिसका ताल्लुक आर्सेनिक वाली जहनी बेचैनी से नहीं है, बल्कि दर्द चैन नहीं लेने देती, बहुत जूदहिस होता है ये मरीज। और अमूमन इसकी दर्दों को छेड़ने की का मुजिब डिस्गस्ट, इंडिग्नेशन, गुस्सा, ये चीज़ें बन जाती हैं। और इसमें और स्टेफिसेग्रिया में फ़र्क यह है कि स्टेफिसेग्रिया का मरीज रफ्ता रफ्ता एक मरीज बनता है, हर गुस्सा जब्त करने से इलामतें नहीं बनती उसकी। स्टेफिसेग्रिया की मरीज़ा ऐसे हालात में रफ्ता रफ्ता अपने आप को दबाते दबाते बिल आखिर वो बन जाएगी मरीज़ा, और उसमें सप्रेस्ड एंगर और नापसंदीदगी उसमें काम करते हैं, और भी बाज़ुओं में ये चीज़ है। इसमें फौरी वजह बनती है, उधर कोई नापसंदीदा बात हुई, उधर पेट के दर्द का दौरा पड़ गया, ये किसी और जगह तशन्नुज हो गया। इसकी जो ग्राइपिंग है, ये बल पड़ना, ये आसाब के साथ साथ किनारों किनारों पर चलता है। अगर बाहर दर्द होगी तो आसाब जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से इसका दर्द यूँ लगता है कि शिकंजा आ रहा है, मरोड़ रहा है उस चीज़ को कोई। पेट में भी अंतरियों के साथ मरोड़ पड़ना, जिसको पंजाबी हम कहते हैं, उर्दू में पता नहीं, बल पड़ना ही कहते हैं ना, वो बल इसके आसाब के साथ चलते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर आसाबी तकलीफ की दवा है। इसकी जो दर्दें हैं कोलोसिंथ की, वो छोटे छोटे आसाब के यानी नर्व्स के जो दायरे बने होते हैं, गुच्छे छोटे छोटे, उनमें कभी नहीं होती। जो लंबी जो नसें दौड़ती हैं दर्द आसाब की, हमेशा कोलोसिंथ में वहीं दर्द होगी। मसलन हाथ के ऊपर यहाँ इर्द गिर्द जो छोटे छोटे दायरे हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो नर्व्स का चक्कर यहाँ से चलता है, अंतरियों से नीचे तक उतरता है, उसमें होगी। बाहर भी पूरे बाजू, पूरी पहलू में, नीचे तक, शैटिका में भी, जब ये शैटिका का मरीज इसका हो, उसमें भी पीछे से उतरती है नीचे तक। लॉन्ग नर्व्स समझ लें आप, उनमें इसके अलामत ज़ाहिर होती हैं और छोटियों में नहीं होती।
और आमतौर पर इसका जो बल पड़ना है वो दौरादार होता है, लेकिन एक फर्क यह है कि हर अगला दौरा पहले से ज्यादा शदीद। ये अगर हो, बाज दफा बाज दर्दों में पेट में पहला दौरा हुआ, फिर एक दो हुए, फिर निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता इफाका आना शुरू हो जाता है। बेलाडोना में अगर दौरा होगा तो एक इंतहा को पहुंचेगा और एकदम छोड़ देगा, पर स्टिल्ला में होगा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और फिर हटेगा एकदम। लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या कोई अगर होम्योपैथ डॉक्टर है वक्त पे कॉलोसिन दे दे तो उसे फौरी रिलीफ होता है। मर्दों में अमूमन बिजनेस के फेलियर के नतीजे में अगर वो मरीज बनता नहीं है, अगर इसका मिजाज हो पहले ही जूदहिस मरीज हो, तो बिजनेस की नाकामी से अगर दर्दों के दौरे पड़ने शुरू हों और किसी वक्त कोई छोटा सा सदमा फिर पहुंचे उससे दर्द का दौरा पड़ जाए, और औरतों में जज्बाती तकलीफों से खुसूसन खामन बेवफा है या और कोई ऐसे ज्यादतियाँ करता है उस पर कि उसके जज्बात को ठीस पहुंचती है, जो फिजिकल ज्यादती है वो इसमें बात की बात है बहुत, वो तो शायद उसके बाद वो झंझना के टूट ही जाए ऐसी मरीजा, लेकिन छोटी छोटी जज्बाती तकलीफें ऐसी मरीजा को अक्सर तकलीफ के दौरे डाल देती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सास और नंदें ताने देती हैं कि लो जी डाल लिया ना दौरा इसने, अटवांटी खटवांटी लेके पड़ गई, हालांकि वाकयातन इसको दर्द होती है। ऐसी मरीजा को महसूस नहीं करते लेकिन बहुत तकलीफ में मुबतला हो जाती है, फिजिकल जानबूझ के नहीं बल्कि जूद हिसी के नतीजे में उसको कॉलिक जरूर हो जाएगा, या पेट में या गुर्दे में या किसी और हिस्से में या लंबी नर्व्स में तशनुजी कैफियत पैदा हो जाएंगी। और आमतौर पर इसके दौरे कालोसिंथ के मजबूत पुरखून इंसानों में नहीं होते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है जिसकी इसमें नज़ाकत पाई जाती है, और पुरखून मजबूत लोगों में अमूमन बेलाडोना का केस होता है, या औरतों में भी, या पेल्स्टिला का हो जाएगा। लेकिन अगर जिस्मानी साख्त में भी कुछ नज़ाकत पाई जाए तो उसमें फिर सबसे ज़्यादा ख्याल कालोसिंथ का आना चाहिए। इसकी सर दर्द या इसका सर दर्द जिस तरह हर दर्द में इंटेंसिटी पाई जाती है बहुत शदीद होता है, और उसकी जो खास अलामत यह है आंख हिलाने से दर्द बढ़ती है। इसलिए अगर आप एक तरफ से आके बात करते हैं वो डेला इस तरफ भी करेगा तो उससे तकलीफ बढ़ेगी, कोई पसंद नहीं करता कि चीज़ें उसके सामने घूमें इधर उधर। जिस अगर एक जगह डॉक्टर बैठा है तो उसी तरफ स्टेयर करे, क्योंकि सिर हिलाने की बहस नहीं, सिर्फ आँख हिलाने से भी इसकी दर्द में नुमाया इजाफा हो जाता है। चेहरे में ये फिफ्थ नर्व होती है जो फैलती है चेहरे के ऊपर जगह जगह, है ना जी, इसकी ये चोटी की दवा है, इसलिए न्यूरेलजियाज में अगर स्पाइजेलिया या दूसरी इलामतें ना हो और जूदहिसी इसकी पाई जाए और दबाने से आराम हो, टकोर से आराम हो, तो फिर गैर मामूली फायदा मंद चीज़ है। न्यूरेलजिया को बहुत जल्दी इससे फाका पहुंचता है।
और ये भी याद रखें इसकी दर्दें लहरदार होती हैं, लहरों में आती हैं, बहुत वाजह है इसकी पहचान। कालोसेंस पहचानने में तो कभी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी तकलीफ होगी, दौरा शदीद, जूदहिस मरीज, दबाने और टकोर से आराम, और हर अगली लहर पहले से ज़्यादा सख्त। इसलिए चेहरे पे भी, जिनको चेहरे का न्यूरोलॉजी हो, यही चीज़ होती है, एक दर्द आई, लहर हट गई, अगली उससे भी ज़्यादा, फिर तीसरी उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि चीखें निकल जाती हैं मरीजों की। और बाद जो हिस्टेरिया हो जाता है, लगता है कि हिस्टेरिकल मरीज है, इसको कालोसेंथ चंद गोलियों मुंह में रखें तो देखते देखते रिलीफ हो जाता है, जैसे ठंड पड़ जाए। होम्योपैथी में ये खूबी है, जो बहुत कम एलोपैथिक दवाओं में होगी, वहाँ दर्द का एहसास मिटाने के लिए तेज़ दवाएं देते हैं, दर्द मिटती भी है, लेकिन बीमारी गायब होकर दर्द का मिट जाना और इस तेज़ी के साथ, ये किसी और टिप में मेरे ख्याल में नहीं पाया जाता जैसा होम्योपैथी में पाया जाता है। क्योंकि दर्द दूर करने की प्रयास दवा कोई नहीं, बीमारी ठीक होगी तो दर्द दूर होगा, और बीमारी का आनन फानन जैसे आई और गायब हो गई, ये चीज़ जो है ये बहुत पुलुत्फ चीज़ है। और कालोसिंथ में अक्सर आपको ये दिखाई देगी, क्योंकि इसका पहचानना मुश्किल नहीं है। कैप्सिकम, मिर्चें हमारे मुल्क में बहुत चलती हैं, इसलिए मिर्चों के असरात भी याद कर लें कि किस किस्म के मरीज पैदा करती हैं। मिर्चों से आपको यूँ लगेगा जैसे कोई सूखा हुआ मरीज हरकतें बड़े कर रहा है, तो कहते हैं मिर्चें लगी हुई हैं इसको, इसका मरीज वैसा नहीं होता। जो मरीज ये बनाती है दवा, वो मोटा, फ्लैबी और खून की रगें फैली हुई जिस्म के ऊपर, जैसे शराबियों के चेहरे पर जाले बन जाते हैं, आमतौर पर मिर्चों से भी, क्योंकि खून का दौरान पेरिफ्री किनारों की तरफ होता है बार बार, शराब से भी यही होता है, इसलिए जो किनारे की कैपिलरीज हैं जिल्द की, उन पर असर पड़ता है और वहाँ सुरख सुरख से जाले नक्शे से बन जाते हैं। इसका मरीज कैप्सिकम का एक आदि शराबी के मरीज के मुशाबे दिखाई देगा, जहाँ तक चेहरे की रंगत और उसकी तमाजत का ताल्लुक है। इसीलिए हर जगह ये शराब का जिक्र तो नहीं करते, मगर बात करते भी होंगे, ओवर स्टिमुलेटेड जरूर कहते हैं, शराब करती स्टिमुलेशन है ना, तो कहते हैं कैप्सिकम का मरीज ओवर स्टिमुलेटेड होगा। और मिर्चें, अब आप सोचें तो ओवर स्टिमुलेट करती हैं, मिर्चें खाने के बाद वो हर चीज़ जुबान को लगती है, गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो स्टिमुलेट कर देती है। इसीलिए जिनको मिर्चों की आदत हो, अगर वो मिर्चें छोड़ेंगे तो भूख बंद हो जाएगी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ग्लैंड्स को और अंदरूनी झिल्लियों को, मैदे की झिल्लियों वगैरह को, कि वो अब स्टिमुलेट होंगी तो जूस निकालेंगी। जब ऐसा मरीज बीमार हो, उसको मिर्चें बंद करें तो खाने से दिल उठ जाता है बिल्कुल। इसलिए स्टिमुलेशन इसका ख़ास फीचर है, इसको आप ज़हन नशीन कर लें तो बाकी जगह, बाकी मामलात में इसकी पहचान आसान हो जाएगी। और दूसरा, रिलैक्स्ड भी हो जाता है, टेंस पोजीशन नहीं होती, क्योंकि जो खून फैलता है ना, तो हर जगह रिलैक्सेशन सी पैदा करता है, पसीना बहुत आएगा। और ये टिपिकल कैप्सिकम की अलामत आप खानों में भी देखते हैं रोज़मर्रा, किसी जगह ज़्यादा तेज़ मिर्ची आ जाए और पठान हो तो सारा जिस्म शराबूर हो जाता है पसीने से, उनको आदत नहीं ना होती खाने की ज़्यादा, क्यों जी है आदत होती है पठानों को मिर्चें खाने की, वो गैर पठान होते हैं अक्सर पठानों में नहीं होती, पंजाब में भी रहे, अब डॉक्टर सईद वगैरह ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते। और भी मैंने देखा है, फैमिलियाँ मुद्दत से आके यहाँ ठहर भी चुकी हूँ,
तबन उनको आदत नहीं, अरबों में भी बहुत कम है, मगर एक दफा आदत पड़ जाए तो फिर चटखोरे बहुत हो जाते हैं। मिर्ची की है ही मजे की चीज, जो उसकी एक्साइटमेंट के बगैर मजा नहीं आता। हमारे सुनौली साहब थे ना मरहूम, क्या नाम था उनका, मौलवी कुदरतुल्लाह साहब सुनौली, हाँ वो मेरे साथ गए थे वहाँ, यानी मैं उनके साथ गया था बांग्लादेश, वहाँ उनकी दावत, उनकी ख़ास एजाज में दावत हुई और दो मुसीबतें पड़ गईं। बांग्लादेश की जमात ने एक बहुत ऊंचे होटल में इंतज़ाम किया, ऊंचे होटल में एक तो मिर्चें कम और ऊपर से ऑर्केस्ट्रा सामने बैठा हुआ, बैंड होते हैं बड़े बड़े होटलों में, और उनको रुख बिठाया हुआ साहब ले, तो यूँ देख के झटकते थे यूँ करके से, क्या खबीस खबासत मेरे सामने, मेरी दावत दी है कि अजाब दी है, क्यों मुझे यहाँ बुला लिया। वो मैंने उनको भगाया, मैंने कहा खुदा के वास्ते बंद कराओ वो, मैनेजर वो तो मानते नहीं थे ना, फिर वो जो चीफ मैनेजर था उसका, उसको कहा कि एक बड़े बुजुर्ग आदमी है उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उस बेचारे ने फिर ऑर्डर दे दिया कि आधे घंटे के लिए जब तक खाना है और वो बंद हो जाएगा। अगली मुसीबत मिर्चों की, मुँह चखते थे क्यों, ये क्या चीज़ है, मेरे लिए कुछ नहीं लिया, दावत मेरी की, मेरे लिए कुछ नहीं पका। फिर उसका हमने इलाज किया कि भगा के बाजार आदमी मिर्चें मंगवाई, बड़ी तेज मिर्चें लंबी, फिर वो एक लुकमा मिर्च का काट के मुंह से खाते थे और एक लुकमा उसका भरते थे खाने का, मुसलसल इस तरह खाना खाया, इतनी तेज मिर्च थी कि अगर किसी कोई और खाए तो पसीने छूट जाए, पता भी नहीं लगता था हमको। भाई आपको याद है मौलवी साहब हैं जी, बहुत मिर्चे खाते थे, जिस दावत में जाते थे तो मिर्चे में पीस के दे देती थी, वो शीशी में डाल के लेके जाते हमेशा, तेज मिर्चे भी उनके नजदीक कुछ चीज नहीं थी। तो ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम ये मतलब नहीं कि बुजुर्ग लोग पैदा होते हैं ऐसे। बावजूद इसके कि मिर्च मिर्चें लगा देती है, गर्मी पैदा करती है, मगर मरीज ठंडा होता है और गर्म कमरा पसंद करता है। इसकी एक ऐसी अलामत है जो बहुत हैरत अंगेज है, होम सिकनेस। मिर्चों से जो मरीज बनता है ज़हनी तौर पर, वो घर से बाहर नहीं रह सकता ज़्यादा देर, बड़ा होम सिक हो जाता है, और अगर मिर्चें ना भी खाने वाला हो और उसको होम सिक होने की आदत हो तो उसको कैप्सिकम की एक दो खुराकें दें तो ज़्यादा जो जूद हिसी और घर जाने की तमन्ना है वो ठीक हो जाती है किसी हद तक। मैं कहा दोनों के साथ रखा करो कैप्सिकम है। इस बार तो हादी अली को देनी चाहिए थी। अच्छा एक और चीज इसमें बड़ी है, जिद्दी बहुत होता है मरीज, बड़ा सख्त जिद्दी। और अब मुझे समझ आइए, बाज ऐसे इलाकों से जहां मिर्चें ज्यादा खाई जाती हैं वहां से काफी लोग मिलते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, तो वाकईतन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दाखिल हो जाती है। मगर ये याद रखें कि हर मिर्च खाने वाला मिर्च की कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी नहीं बनता, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन मिर्च वाली हो उसमें मिर्च ये अलामतें पैदा करती है, लेकिन आम जो बीमारियां इसकी वो सती रहती हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यह समझें कि हर मिर्च खाने वाला ऐसा हो जाएगा। जिन इलाकों में कुछ जिद्दी लोग पाए जाते हों और मिर्चें खाई जाती हों उनमें तो सुहागा हो जाता है, सोने पर सुहागा नहीं बल्कि करेला नीम चढ़ा। कैमोमिला वाली ये बात कि कोई चीज मांगी है झटके वापस कर दी, गुस्सा बेइत्मीनानी
जो चीज खुद तड़प करो उसको भी झटक के फेंक देना, ये कैमोमिला के अलावा इसमें कैप्सिकम में भी मिलता है। एक और इसकी इलामत है जो पस्टिला में भी मिलती है, बाद और दवाओं में भी, बाद कढ़ाई के पाउडर में भी पाई जाती है, कभी लेगेसीज में भी, कि एक चीक पेल और एक सुरख, मगर दूसरी दवाओं में निस्बतन कम, कभी कभी जब बाकी इलामतें हों उनके अंदर कभी ये भी जाहिर होती है, मगर इसकी एक ख़ास इलामत है, इसके मिजाज में ये बात दाखिल है। मिर्चों वाला एक तरफा है होना सुर्खी का, मसलन चेहरा जो फ्लश्ड है वहाँ पसीना भी आ रहा होगा तो बाकी जिस्म ठंडा और उसमें निस्बतन कम होगा, सवाए इसके कि इतनी ज़्यादा खा ली जाए कि ऊपर से नीचे तक पसीने में आदमी भीग जाए, वो शाज होता है, अक्सर चेहरा तमतमाता है, सर की जल्द के ऊपर पसीना आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब ये कैफियत ना हो तो एक कल्ला नुमाया सुरख और एक बिल्कुल पेल, ये बच्चों की बीमारियों में अक्सर, अगर अक्सर नहीं तो बसाओ का दिखाई देता है, उनकी नजरियाती उनकी लंग्स की बीमारियों में एक हिस्सा पेल, बुखारों में अक्सर बच्चों में ये बात पाई जाती है, इसलिए उस वक्त इसको याद रखना चाहिए। एक और इसमें अजीब यह है कि खुदकुशी की ख्वाहिश मगर खुदकुशी करने के पर तैयार नहीं है, आरंभ दौर में खुदकुशी कर लेता है मरीज, जोर से अर्ज भी पैदा होती है और बार बार कोशिश करता है। कैप्सिकम के मरीज में खुदकुशी की तमन्ना है मगर खुदकुशी नहीं करता, डरता है उससे। सेवाडिल्ला की एक इसमें यह अलामत पाई जाती है कि सिर या कोई और हिस्सा उज़्व का बड़ा, सेवाडिल्ला में याद है ना आपको, कई दफ़ा मैंने सिर्फ इस अलामत से सेवाडिल्ला पहचाना और उसमें ज़रूर काम करता है। फिर एक रवा में एक मरीज आया, पुराना नजरे का मरीज, उसकी ये अलामत बड़ी नुमाया थी कि मुझे लगता है मेरा चेहरा बड़ा बड़ा है, उसको सेवाडिल्ला दिया फ़ौरन ठीक हो गया। इसमें भी ये अलामत है मगर बाकी चीज़ों में सेवाडिल्ला अलग चीज़ है, ये अलग है। सेवाडिल्ला की और क्या अलामतें हैं खास, याद है? छींकें और हैं, हाँ हाँ, और नाक के भी यहाँ खारिश, और मैंने इस पे कहा था कि ये कीड़ों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए भी मुफीद है, याद है ना कि नहीं? जिनके कीड़े हैं उनको याद है, जिनके बच्चों को कीड़े होंगे, है ना, ये क्या नहीं? मैंने किसी को दिए थे। अच्छा, फायदा हुआ? अच्छा। पंजाब में कीड़े होते क्यों हैं ज्यादा लोगों के? पानी खराब। नहीं नहीं, मिट्टी। अक्सर औरतों का देखते हैं कीड़े पहने बदवा ही देती है, तो कीड़े पहचान इतनी बदवा है वहां जो मालूम होता है मकबूल ही हो गई है। सर दर्द में सिवाय इसके के बड़े होने का एहसास हो कोई खास इसकी पहचान नहीं है, पल्सेशंस बाहर आ रहा इसमें हर जगह हैं, क्योंकि ये पेरिफेरी पे खून को भेजती है, इसलिए वहाँ पल्सेशन का एहसास सिर में बहुत नुमाया है। बाकी कानों में भी दर्द दूसरी जगह ही, मगर उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है जो आप अलग कर सकें उसको। ये कोई ऐसी अलामतें लिखी हुई हैं जो आम होम्योपैथ को तो समझ आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहबान भी हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ, उनको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। इट हैज़ अ पेक्यूलियर एक्शन ऑन द बोन्स ऑफ द इंटरनल एयर एंड मैस्टॉइड प्रोसेस,
abscesses round about and below the ear and caries, petrous or petrous portion of temporal bone necrosed. हड्डी को जैसे कीड़ा लग जाता है ना वो खाई जाती है. इसमें बिलो द ईयर एंड कैरीज पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन कौन सी है? टेम्पल के पास इस साइड पे. उसमें अगर वो खाई जाए हड्डी किनारों से घिस रही हो, इसको क्या कहते हैं, उसको भुर्ती हो. भुर्ती इस तरह नहीं है, बीमारी कीड़ा सा होता है जो हड्डी को खाया जाता है, या अंदरूनी बीमारी कोई ऐसी है जिसको खोचला करती जाती है, मगर बाहर से सरफेस से ज़्यादा होती है, अंदर खाने लग जाती है. ये नेक्रोसिस यही है ना, नेक्रोसिस डॉक्टर साहब? मैस्ट्रॉइड एब्सेसिस. मैस्ट्रॉइड एब्सेस कहाँ होता है? वो जो मैं पिछली दफा भूल गया था, ये हुजूर ये मैस्ट्रॉइड जो पीछे कान की हड्डी है ना जी, उभरी हुई, हाँ जी, ये मैस्ट्रॉइड प्रोसेस कहते हैं. बिल्कुल ठीक है. इसके अंदर जो है वो जिस तरह स्पंज सा होता है ना, बिल्कुल ठीक है, उस किस्म की हड्डी. आप मैंने पिछली दफा पूछा था आपसे, गलत मैंने मेरे जहन में गलत आ गया था. यहाँ आप कह रहे थे, मैंने वो मेरे जहन में पैरोटिड आ गया था. ये नहीं है, ये है मैस्ट्रॉइड कान के पीछे, ये जो करेक्ट उभरी हुई. बाल लोगों को जब गला खराब हो मैस्ट्रॉइड फूल जाता है यहाँ से, और फिर मुस्तकिल फूला रहता है. उनको फाइटोलाका कोनियम वगैरह ये दवाएं हैं जो मुफीद रहती हैं. अगर कोई नज़ला ऐसा हो जिसको कैप्सिकम की ज़रूरत है तो दूसरी दवाएं बिल्कुल काम नहीं करती. उसमें कितनी अच्छी नज़ले की दवाएं दें कोई काम नहीं करेंगी, मगर एक इलामत इसकी फिर आपको याद रहनी चाहिए ताकि पहचान लें. इसके नज़ले के मरीज़ का चेहरा हमेशा तमतमाया होगा, लेकिन गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा. बईद नहीं कि चूंकि पसीने का रुझान है इसलिए कुछ कुछ वहाँ से पानी रिसता हो, उड़ता हो, ठंडा हो जाता हो, मगर जो भी वजह हो इसके मरीज का चेहरा तमतमाया हुआ और ठंडा और नाक की नोक सुर्ख होती है. नज़ले वगैरह में अक्सर किनारे हों नाक के निचले हिस्से सुर्ख हो जाते हैं बार बार मरने से, नटे मरों में भी होते हैं ये किनारे पक जाते हैं, लेकिन इसमें नोक सुर्ख होती है. ये टिपिकल इलामत है, और ऐसा नज़ला अगर कभी आपके सामने आए तो उसको कैप्सिकम बहुत जल्दी क्योर करेगी इंशाल्लाह. बाज़ दफ़ा खांसी से एकदम बदबू निकलती है, जैसे कहीं कहीं छोटे छोटे बदबू के गुब्बारे फटते हों. एक तो मुस्तकिल बदबू है जो बाद लोगों की छाती से आती है, उसकी बात ही मैं कर रहा. ऐसी खांसी जिसमें कभी एकदम जैसे बदबू का गुब्बारा फटा हो, अंदर से गंदी बदबू निकले, वो इसकी इलामत भी है. और दवाओं के अलावा कैप्सिकम में भी ये इलामत नुमाया है. इसके मरीज को अगर जब तमतमाया हुआ ना हो चेहरा तो झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, जिल्द को जहाँ से बल पड़ेगा वहीं वो बल नुमायाँ दिखाई देगा. ज़रा सा यूँ आप पिंच करें तो देर तक उसकी गहरी लकीरें दिखाई देंगी, क्योंकि जिल्द में टोन नहीं होती, इलास्टिसिटी कम हो जाती है. लूज फ्लैबी पार्ट्स हों और सर्कुलेशन में कमी दिखाई दे, मीजल्स में भी अगर इसकी वो चेहरे की अलामतें मौजूद हों और किसी और दवा को रिजल्ट रिस्पॉन्ड ना करे, उससे उसको उस पर असर ना पड़े, तो कैप्सिकम याद रखनी चाहिए.
इसलिए टॉन्सिल्स जब इनलार्ज होते हैं तो हार्ड नोडुलर नहीं होते बल्कि स्पंजी से होते हैं, फुलफुले से। उसमें ये दवा मुफीद हो सकती है, मेरे अपने तजुर्बे में तो कभी नहीं आई इस लिहाज से, टॉन्सिल्स मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, ना इस तरह देखने का मौका मिला कि स्पंजी हैं कि नहीं। लेकिन अगर डॉक्टरों को मुआयने का मौका मिले ऐसी चीज़ हो तो फिर कैप्सिकम याद रखनी चाहिए। डिसेंट्रिक स्टूल, इसके पेचिश वाले तो साफ पहचाने जाते हैं, मिर्चें खाने वालों को पता है, ज़रा सी ओवरडोजिंग हो जाए तो गर्म असाल होते हैं और पेचिश है तो उसमें भी गर्मी का एहसास, और निकालने के बाद फारग होने के बाद फिर वो जलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, फिर इस तरह स्पर्ट होता है, निकलने के बाद कुछ देर पीछे भी जलन रहती है। ये टिपिकल मिर्चों की अलामत है, जो मिर्च की दवाओं में, होम्योपैथिक दवाओं में भी इसी तरह लिखी हुई है। और प्यास ठंडे पानी की बड़ी भड़कती है इससे। हेमोराइड्स जो इसके में होते हैं, मसलन क्या कहते हैं इसको उर्दू में, हेमोराइड्स को बवासीर नहीं, बवासीर मस्से, इसके मस्से भी गले के ग्लैंड्स की तरह जब सूजें तो फुलफुले होंगे और उनमें सुर्खी होगी और जलन नुमाया होगी। एक और चीज़ जो बहुत दिखाई देती है, बाज़ ऐसे मरीज़ हैं जिनको होशनेस मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और कई दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता। क्रॉनिक होशनेस में इसकी अलामतें पाई जा सकती हैं क्योंकि क्रॉनिक होशनेस से इसका पुराना ताल्लुक़ है, इसलिए बाकी अलामतों की तलाश करें। अगर कुछ भी मज़ीद ताईदी अलामत मिल जाए तो क्रॉनिक होशनेस क्योर हो सकती है। क्रॉनिक होशनेस में और कौन कौन सी दवाएं हैं जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, फास्फोरस, कॉस्टिकम और सल्फर भी और लाइकोपोडियम और क्यों नहीं याद है, कोका और एक और चीज है नहीं आ रही, सुराइनम दी थी आपने शाफियों, हाँ सुराइनम, सल्फर और सुराइनम दोनों एक हो या दूसरी हो सिर्फ एक फर्क है, सुराइनम ठंडी होगी और सल्फर गर्म होगी, बाकी सब इलामतें बीमारियां अक्सर उनमें मिलती हैं, वो ठीक है। सुराइनम भी है, और वो जो है ना बहने वाला लिकोरिया उसमें भी होती है वो दवा, बहुत बहने वाला हो और गर्म गर्मी का एहसास पैदा करे। हाँ नहीं नहीं ग्रेजुएट का तो ज़्यादा इस तरह नहीं, थोड़ा काटने वाला तेज बनता है, मुझे आ जाएगी याद दुआ है। नहीं 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 किसी को नहीं याद आ रही आपको, मुझे मेरी तरह बोरेक्स, ये किसने बताया, वेल डन, बोरेक्स, बोरेक्स जैसा बहने वाला पानी की तरह शराटों वाला इखराज और कम मिलेगा, नाक में भी बोरेक्स जब नज़ला होगा तो दरिया बहा देगा। इसी तरह औरतों में भी बड़ी मुसीबत पड़ जाती है क्योंकि पांव तक उतरता है वो गर्म पानी, इसलिए बोरेक्स को ख़ास पहचाने, अच्छी तरह याद रखें। और बोरेक्स गला बिठाने में भी चोटी का असर रखता है,
ठीक है। अच्छा जी, अब अगली दवा। अब मैंने काफी तेज आपको दवाएं पढ़ाई हैं आज। कॉलोसिन पढ़ा दी, साइक्लेमन पढ़ाई है, पढ़ा दी थी कब? साइक्लेमन। अच्छा, अभी देख लेते हैं याद है कि नहीं। इसकी क्या खास पहचान है? एग्जैक्टली। और लेकिन लेकिन क्या? ठीक है, बिल्कुल। अब किताब काफी खोली थी सामने। अच्छा, और क्या है? क्या होता है? हाथ से चीज देखती। एक मिनट है, ओपन एयर अच्छी लगती है बुरी लगती है? क्या ठंडी हवा से आराम आता है फिर भी अच्छी नहीं लगती? ये दो इसकी खास पहचानें आपको बताई हुई हैं कि हरकत से अवर्शन है लेकिन हरकत आराम देती है, ठंडी हवा आराम देती है लेकिन अवर्शन है, पसंद नहीं। ये इसका एक ऐसा खास मिजाज है जो इसको सब दुआओं से मुमताज करता है, समझ गए? और खून की कमी, मेंसेस की ज्यादती, इरेगुलरिटी, पल्पिटेशन, और वॉकिंग से जो परसिस्टेंट लंबी वॉकिंग है उससे आराम नहीं मिलता, उससे तकलीफ बढ़ जाती है। अब इसमें और रेस्टॉक्स में फर्क यह है कि रेस्टॉक्स में तो जब जगह बदलेगा आदमी तो कुछ रिलीफ मिलता है, फिर वही दर्दें वहीं भर जाती हैं। इसमें इस तरह नहीं है, बल्कि कुछ अरसे के लिए रिलीफ मिलता है थोड़ी हरकत से, लेकिन अगर लंबी हरकत करें तो जो गर्मी है जिस्म की वो इसको तकलीफ पहुंचाती है, इसलिए ये तजाद इसमें पैदा होता है। एक्सरसाइज की गर्मी इसकी तकलीफों को ले आती है, ठीक है। और जब जहां तक नर्म चाल का ताल्लुक है जिससे जिस्म में तमाजत पैदा ना हो वो मुफीद है। हल्की हरकत जो जिस्म को गर्म ना कर दे, बस गर्मी चूंकि मुफीद नहीं है इसलिए बसाव का इंसान समझता है तेज लंबा चला हूं तो तकलीफ बढ़ गई, वो चलने से नहीं बढ़ी, वो गर्मी से बढ़ी है जो जिस्म के अंदर से रिलीज हुई है। याददाश्त कमजोर भी पड़ जाती है और अदम दिलचस्पी हो जाती है चीज़ों से, और फिर कभी कभी बोलने की तेज ख्वाहिश, बहुत ज़्यादा उतनी नहीं जितना लेगेसीज में, लेकिन कुछ ना कुछ है इसमें भी। और मिजाज बहुत बदलता है, कभी बहुत खुश कभी एकदम गुस्से वाला और नापसंदीदा। अगर ये एहसास हो कि हर शख्स मुझे प्रोसिक्यूट कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है सस्पिशन, तो कौन कौन सी दवाएं आपके जहन में आएंगी नुमाया तौर पर? बिल्कुल ठीक है, नेगेसिस सबसे नुमाया है, लेकेसिस, नाजा में भी ये बात पाई जाती है। और किस दवा में? सेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्टेमोनियम सल्फर। ये किसने बताया था? डॉक्टर साहब? अच्छा, मैं हैरान रह गया था, मुझे कमाल हो गया। यही मैं कहना चाहता था, सल्फर और स्टेमोनियम में भी ये बात नुमाया है और इसमें भी है, मगर सल्फर, स्टेमोनियम, नाजा, लेकेसिस अपने बाकी मिजाज में इससे मुख्तलिफ होते हैं। ये आमतौर पर इस चीज़ की दवा नहीं है, मगर ये खास बात है, इसमें सिंगुलर हो जाती है इसमें बात।
एनीमिक में बता चुका ना इसको आपको कि नहीं, साइक्लेमन में एनीमिया पाया जाता है लेकिन रफ्तार रफ्तार बढ़ने वाला। सरदर्द बड़ी सख्त होती है जिससे ये एहसास पैदा होता है कि शायद पागल ना हो जाए सरदर्द वाला। गले में भी लामते हैं थर्स्टलेस, सिवाय बुखार में शाम के वक्त प्यास लगने के, अमूमन मरीज बगैर प्यास के रहता है। और मेदे की इलामतें और प्यास की इलामतें ये पर्स्टिला से मिलती हैं। पर्स्टिला की मेदे, अच्छा पर्स्टिला की मेदे इलामतें क्या हैं? हाँ हाँ, और गर्मी, हाँ ये ठीक है ये, और प्यास ना होना। कॉफ़ी से इसकी तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि वो एक्साइट कर देती है। इसका पेशाब जरसीम की तरह खुला खुला और प्रोफ्यूज होता है लेकिन इसमें इनफेक्चुअल अर्जिंग भी है, यानी अर्जिंग तो है लेकिन कोई पेशाब नहीं होता। आदमी जाके जोर लगाएगा हैरान होगा कि बड़ी तेजी से लग रहा था लेकिन आया कुछ नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ अगर कमजोरियां हों मर्द में तो उसमें भी ये अच्छी दवा है। मैसेज में हर किस्म की खराबियां हैं, टू सून, टू लेट, इरेगुलर, सप्रेस्ड। और पर्सिला की इलामतें हैं जब मेंसेस की तकलीफें हों नुमाया हो जाती हैं, रोने की ख्वाहिश, पेल्पिटेशन, कंपनी और ओपन एयर से अवर्शन हो जाती है। फिर टिकलिंग लेरिंग में, चेस्ट का ऑपरेशन, अब आ गई वो इलामत जो आपने बताई थी, हाथों से चीजों का गिरना। ये आपको खूब रही है याद, माशाल्लाह है। राइटर्स क्रैम्प्स भी पाए जाते हैं इसमें। पता क्या होते हैं राइटर क्रैम्प? यूं करके जब लिखते हैं तो अंगूठा और यहाँ वो तशम्मुद पैदा हो जाता है। बाल लोगों में मुस्तकिल हो जाता है। हमारे वो महाशाह फजल हुसैन साहब थे ना जो एक्सपर्ट हिंदू लिटरेचर के, बहुत आला किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका ख़ास फन ये था कि अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते थे, वो तारीफ ही करते थे, इस तरह जोड़ते थे इक्तबासात कि एक से दूसरा जुड़ता चला जाता था। कभी ख्याल नहीं आया कि किसी ने हैपहैज़र्डली मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, पूरी किताब बन जाती थी। और उनको आदत थी बहुत लिखने की, आखिर पे उनका अंगूठा यूं हो गया था मुस्तकिल, हाथ पे फालिस था, अंगूठा यूं हो गया था। उस वक्त मुझे, बड़ी पुरानी बात है, ज़्यादा भी तजर्बा नहीं था मगर मैं एक दो दवाएं ट्राई की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। प्लम्बम होनी चाहिए थी, आर्जी जो अंगूठे का फालिज है या तशनुज उसमें साइक्लेमन मुफीद है, लेकिन मुस्तकिल फालिज होकर अंगूठा या कलाई रह जाए तो उसमें प्लम्बम चोटी की दवा है। इसमें जो हाथों से चीज गिरना है वो दूसरी दवाओं से मुख्तलिफ है। दूसरी दवाओं में तो क्लम्जी हाथ या पकड़ में कमजोरी, आदतन चीजें गिरती हैं, इसमें इसको घबराहट होती है और मरीजा चाहती है कि मैं जो पकड़ फेंक दूं इसको। ये ओवर सेंसिटिविटी की वजह से चीज पैदा होती है। खारिश जगह बदलती रहती है, आमतौर पर यह महस हर किस्म की खारिश की अपनी फितरत है मगर इसमें
इन्होंने दिया हुआ, बाकी गाँव में इतना नहीं है जितना अभी यहाँ खाई शुरू, अभी यहाँ शुरू हो गई, फिर यहाँ शुरू हो गई, जगह जगह बदलते रहते हैं। जैसा नईम ख्वाजा नईम करता रबा में, टिपिकल केस है, उसको मेरे ख्याल मिलनी चाहिए साइक्लेमन। ख्वाजा नईम नहीं जानते, ख्वाजा साहब के भाई मस्जिद में आता था, वो बेचारा दिमागी लिहाज से बैकवर्ड है, जो उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो चीज़ें चुनता है हाई स्मिस के मरीज की तरह, कपड़े चुने हुए यूँ जब जाएगा रुकू में यूँ मुझे हाथ डाल के चीज़ को हमें तो नज़र नहीं आ रही होती, उठा लेता है यूँ करके वहीं फेंक देते, फिर वो दूसरे यूँ उधर से उठाई उधर से उठाई, मुसीबत पड़ी हुई थी उसके साथ नमाज पढ़ना मुसीबत थी, हर वक्त वो चीज़ ढूंढ कर यूँ निकालता था, यूँ किया बत्ती बनाई उसकी वापस फेंक दी, और ख़ारिश उसकी इस तरह की थी, नमाज़ पढ़ते एकदम झटका देकर देखे शुरू कर दिया, फिर इस तरह शुरू कर दिया, फिर घुटने के ऊपर यहाँ गर्दन पे यूँ, हर वक्त यूँ करता रहता था। ये साइक्लेमन मुझे उस वक्त याद नहीं आई कभी, लेकिन आनी चाहिए थी। ठीक है, मुख्तलिफ दुआएं आप मुख्तलिफ लोगों से बांध लेना, साइक्लेमन को आप नईम से बांध लेना, और अब वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों मुठियाँ बंद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कल ये अलग कर लो।